शार्क टैंक का दोगलापन तो देखिए, बात करते हैं कि हम तो बिजनेस शो है पर हरकतें इंडियन आइडल और रोडीज वाली। कहने को शो का ऑब्जेक्टिव यह है कि भैया बिजनेसमैन की मदद करेंगे, एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाएंगे, हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, बट दोगलापन यह है कि भैया कोशिश करते हैं कि उसमें गलती निकाल के उसकी वैल्यूएशन कम कर दें और आपस में झुंड बना के कैसे कम से कम वैल्यू पे ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डकार लें। दोगलापन ऐसा है जनाब कि जहां पे है कि तुमको बिजनेस की केस स्टडी जज करनी है, तुम वहां पे दोस्तियां निभा रहे हो, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, इसके गले लगेंगे, अरे भाई क्या चाह रहा है तू। अरे जिनके खुद के प्रॉफिट के ठिकाने नहीं, भैया लॉस में नैया डूबी पड़ी है, प्रॉफिट पे ज्ञान दे रहे हैं, दूसरों के कैश ले लेके गाड़ी चल रही है और दूसरों को कैश फ्लो पे ज्ञान देते हैं। तो आज करेंगे शार्क टैंक का पोस्टमार्टम, शार्क टैंक के जजेस का पोस्टमार्टम और भाई साहब पार्टिसिपेंट का भी पोस्टमार्टम, अपन किसी को नहीं छोड़ते। और ये वीडियो जो भी देख रहा है, चाहे आप शार्क टैंक के जज हो, चाहे आप पार्टिसिपेंट हो या शार्क टैंक के दर्शक हो, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपकी लाइफ में इसके लेसन आपको काम में आएंगे, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। लाइक सब्सक्राइब के लिए मैं बोलूंगा नहीं, आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो जय माता दी। तो बात करते हैं वीडियो के पहले हिस्से की, शार्क टैंक के शो का दोगलापन। शार्क टैंक सीजन 2 किसी भी लिहाज से भाई साहब बिजनेस शो तो लग ही नहीं रहा, ये तो इंडियन आइडल का या रोडीज का सेट लग रहा है। यहाँ पे पार्टिसिपेंट आके जीवन की दुख भरी कहानी सुना रहे हैं, जज कह रहे हैं साहब हम भी रो रहे हैं, पीछे कभी बैकग्राउंड को एकदम ऐसा पीला सा कर देते हैं, एक सैड सा म्यूजिक बजा देते हैं, बैकग्राउंड का कलर बदल देंगे, अजीब सी आवाज ला देंगे, रोने जैसा मूड बना देंगे, कोई एक फूड प्रोडक्ट है तो एक एक आदमी को खाता हुआ दिखाएंगे, फिर एक एक आदमी के एक्सप्रेशन दिखाएंगे, वाह जी मुझे ऐसा लगा, तू तेरा खा ले मेरा खा ले, अरे भाई बस करो। और इससे भी मन नहीं भरेगा, कभी रोडीज की जैसे या तो पार्टिसिपेंट से लड़ लेंगे या आपस में लड़ लेंगे। शो को प्रमोट करने के लिए कौन बनेगा करोड़पति चले गए, कपिल शर्मा चले गए, डांस बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, अरे दादा बिजनेस के अलावा सब कुछ कर रहे हैं ये लोग। ये बात मैं मानता हूं कि भैया शोबिज का बिजनेस है, टीवी है, अगर शो को हिट कराना है, जनता तक पहुंचाना है, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत करो भाई बिजनेस पे तो रहो। पहले बॉलीवुड भी ऐसे ही करता था कि भैया हम तो ऐसे ही दिखा रहे हैं, कोई पूछता था भैया ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, बोले जनता को यही पसंद है, तो जनता ने बॉलीवुड को तो सबक सिखा दिया। शार्क टैंक का भी नंबर लगने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं शार्क टैंक का दुश्मन हूं, मुझे बहुत खराब लगता है या मैं इससे चिढ़ता हूं, नहीं सर, मैं शार्क टैंक का बहुत बड़ा फैन हूं। शार्क टैंक का सीजन 1 देखा था, मुझे लगा भैया मजा आ गया मजा, और सीजन 2 का तो मैंने वेट किया है कि इतने दिन रह गए, और शुरुआत में एक एक पार्टिसिपेंट एक एक एपिसोड पे रात रात भर जग के वीडियो तक बनाए, इतना बड़ा फैन था। पर जब ये चीज ऑफ ट्रैक हो गई ना तो दिल से बुरा लगता है भाई। ये शो मुझे क्यों पसंद था, इसने पहली बार बिजनेस को मेन स्ट्रीम पे लाया। बाप बेटे खाने की टेबल पे बैठ के बिजनेस की बात कर रहे हैं, भाई साहब चार जने पार्टी में बैठ रहे हैं तो पॉलिटिक्स को छोड़ के बिजनेस की बात हो रही है। स्टार्टअप को धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी मिलने लग गई थी, दुनिया बात करने लग गई थी, रन रेट क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है, स्टेक क्या होता है, बिजनेस मॉडल पे चर्चा हो रही थी, तो पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया था जो कहते हैं आर्थिक प्रगति के लिए माहौल जरूरी होता है। लेकिन इस शो ने जो माहौल बनाया था वो पूरा एकदम से फुस कर दिया। अब लोग बाग ये बात नहीं कर रहे कि अरे शो पे करें कल क्या हुआ, अरे स्टार्टअप नहीं करना चाहिए, अरे वो मॉडल गलत था उसने ही कर दिया, तो जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए थी वो नेगेटिविटी कर दी। अब जिस तरह की इसकी टीआरपी चल रही है, पता नहीं शार्क टैंक सीजन 3 आएगा भी या नहीं, लेकिन अगर वो आता है तो मेरी हाथ जोड़ के मेकर से रिक्वेस्ट है और आप लोग फॉरवर्ड करके इस वीडियो को पहुंचा देना किसी तो मेकर तक पहुंचे कि भाई साहब एकदम प्योर बिजनेस शो दे दो, फिर देखो तुम्हारी टीआरपी कैसे रिकॉर्ड तोड़ती है, क्योंकि देश जग गया है भाई साहब, बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तुम उसको मत बनाओ रोडीज यार। इस शो में इंडियन आइडल वाली हरकतों के बाद जो सबसे कमजोर कड़ी है वो है शार्क टैंक के जजेस। एक म्यूजिक कंपटीशन है, उसको अगर जज करेंगे आपके एआर रहमान साहब, लता दीदी, तो लगेगा यार इन लोगों ने बहुत ख्याति प्राप्त की है, अपनी चीज पे पकड़ है, लोगों को दीवाना बनाया है। लेकिन उस शो को जज करने आ जाए टोनी कक्कड़ कैसा लगेगा। मेरे को इनसे कोई आपत्ति नहीं है, मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं है कि पीयूष बंसल जी से भाई साहब मेरे कोई पंगे हैं या अमन मुझे पसंद नहीं है, सारे शक पसंद है, अपना अपना काम इन्होंने बढ़िया किया है, पर अभी इनको मार्केट में खुद को प्रूव करना बाकी है। ये पार्टिसिपेंट से जब ये बात पूछते हैं कि भैया आप ये बताइए आपका प्रॉफिट पिछली बार कितना था, आपकी बार कितना है, अच्छा प्रॉफिट नहीं है, अरे छी 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 प्रॉफिट कैसे नहीं है आपका, अरे भाई ये क्या बात है, अरे कैश फ्लो नहीं है, ओ कैश बर्न कर रहे हो, कितना महीने का, 1,00,000 रुपए का, अरे नहीं नहीं ये तो ज्यादा है, अरे आपके बिजनेस में तो बहुत काम बाकी है, मुझे लगना पड़ेगा, तो मैं तो अभी नहीं कर पाऊंगा।
अरे अगर इसके बिजनेस में बहुत काम बाकी है तभी तो ये तुम्हारे पास आया है, पैसे भी लेने आया है, गाइडेंस भी लेने आया है। तुम क्या चाहते हो जिस बिजनेस में कोई काम बाकी ना हो, पहले कैश आ रहा हो, पहले प्रॉफिट आ रहा हो, वही इन्वेस्ट करें? तो फिर क्या बात हुई भाई साहब। और अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसे बोलो कि मैं तो खुद भी बिजनेस मेरा प्रॉफिटेबल है और मैं प्रॉफिटेबल में करता हूँ। खुद ने तो लंका लगा रखी पूरी, यही तो दोगलापन है। पीयूष बंसल जी, 2010 में आपने कंपनी चालू की थी, 2023 हो गए, 13 साल में अपना तो प्रॉफिट आया ही नहीं। 102 करोड़ का लॉस तो सिर्फ इस साल था, 13 साल का लॉस मिला लो तो भाई साहब कितना ज्यादा हो जाएगा। आपके हमारे नए शाक आए अमित जैन जी, उनका प्रॉफिट 250 करोड़ रुपए का लॉस है। ऐसा थोड़ी कंपनी 2 साल पहले चालू हुई कि आ जाएगा, 10 साल से ऊपर हो गया यार कंपनी को। आपकी शुगर कॉस्मेटिक 75 करोड़ के लॉस में बैठी है और बात करी कैश फ्लो चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ये चाहिए, अरे तुम्हारे पास तो लाओ पहले। एक शाक जो सबका फेवरेट भी है, मेरा भी फेवरेट, अमन गुप्ता, वो एक बंदा है जिसने इंडस्ट्री को डिस्टर्ब भी किया, प्रॉफिट भी कमाया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है पर एटलीस्ट इनसे कंपेयर करोगे तो ठीक है, जज करने की पोजीशन में है और काफी हद तक भाई साहब मोटिवेट भी करता है। उसके बाद आते हैं नमिता था, पर उनके तो इस लिस्ट से मैं आउट कर रहा हूँ, शी इज आउट फ्रॉम द लिस्ट। बोले क्यों? बोले वो एक्सपर्टाइज ही नहीं है, वो तो उन्होंने कंपनी चालू नहीं की, वो तो कंपनी की फाउंडर ही नहीं है, वो तो पापा ने चालू की, वो तो पापा की परी है। अनुपम भाई भी प्रॉफिट लॉस कभी डिस्क्लोज नहीं करते। इधर भाई साहब हमारे अश्नीर जी का भी लॉस था, उनपे भी दुनिया भर के क्लेम लग गए, वैसे बंदा सॉलिड था भाई साहब, कुछ भी कहना। मामा अर्थ का आप देख ही रहे होगे आईपीओ लाने की, जैसे ही बात की भाई साहब हड़बड़ी मच गई, शायद पता नहीं आईपीओ आए बिना आए, और आईपीओ आएगा भयंकर वाला फ्लॉप होगा, ध्यान रखना, लगा मत देना पैसे। तो यहाँ पे बैठ के 20 25 50 लाख की फंडिंग करते हैं, जैसे ही शो का पैकअप होता है भाग के खुद की फंडिंग के जुगाड़ में लग जाते हैं। कौन सा ऐसा धंधा चल रहा है जिसके बेसिस पे आपने कहा ये जज है? जज आपको बनाने सर संजीव भगचंदानी जी, लीजेंडरी हैं, कितनी कंपनियों में इन्वेस्ट किया उन्होंने, किस तरह से कंपनियां बिल्ड कर रहे हैं। कामत ब्रदर्स जो है जीरोधा, जीरो से उसको किया प्रॉफिटेबल, इतनी मस्त कंपनी चला रहे हैं। ऑफ बिजनेस के हमारे आशीष मोहपात्रा हैं, जोहो के हैं, तो कुल मिला के ऐसी कंपनीज जिन्होंने जीरो से बिल्ड की, मार्केट को डिस्टर्ब किया, प्रॉफिट कमाया, एक अच्छे वैल्यूएशन पे बैठे हैं खुद के दम पे, ऐसे लोगों को तो बुलाओ भाई साहब। लेकिन बात क्या है कि ये जो जिन लोगों के मैंने नाम लिए ना, इनके धंधे इतने बढ़िया चल रहे हैं कि ये फिर इनके पास शो पे आने का टाइम नहीं है, ये शो के जैसे नखरे नहीं करेंगे, ये केबीसी कपिल शर्मा जाके ये नहीं करेंगे, इनका काम धंधे है, इनको काम धंधा संभालना है। जिनके पास काम धंधा नहीं है वो ऐसी चीजों में लग रहे हैं कि यार चल कोई नहीं, अपना चले ना चले, इतनी सारी कंपनियों में अगर ले लेंगे तो कहीं ना कहीं चल जाएगी, फिर बाद में आके जुड़ जाएंगे। तो अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरा इनसे कोई पर्सनल पंगा नहीं है, बहुत अपनी अपनी जगह कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह कंपनियां अच्छी है, लेकिन एक राइट रोल मॉडल नहीं है। अगर इनको शार्क टैंक के जजेस देख के दुनिया इनके बारे में जब इंटरव्यू पढ़ती है, इनकी हिस्ट्री देखते क्या कहेगी, अरे लॉस में है, तो लॉस में बिजनेस करना कोई बात नहीं, चलता है, वैल्यूएशन का गेम खेलो, लॉस का गेम खेलो, गलत मैसेज जा रहा है ना। बिजनेसमैन में ये मैसेज जाना चाहिए कि नहीं भैया प्रॉफिट प्रॉफिट, वैल्यूएशन का गेम नहीं, प्रॉफिट का गेम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आएंगे हम पार्टिसिपेंट के दोगलेपन पे। आप बोलोगे सर जी इन मासूमों के पीछे क्यों पड़े हो? सर मैं आपको बात बताऊं, ऐसा नहीं कह रहा कि इनका दोगलापन या ये गलत है, इनके कुछ सोच में गड़बड़ है, माइंडसेट में गड़बड़ है, वो गड़बड़ ठीक कर देते हैं। हमारा इंडियन माइंडसेट क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इतना रद्दड़ है कि भाई साहब आदमी को लगता है कि अगर कुछ कर रहे हैं ना तो जीतना जरूरी है, सर्टिफिकेट जरूरी है, मेडल जरूरी है, तो शार्क टैंक पे आए हैं तो डील लेना जरूरी है, खाली हाथ चले गए तो बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कछु नहीं होता भाई साहब। आप नेशनल टीवी पे आ गए, दुनिया आपको जान गई है, आपका प्रोडक्ट अगले दिन से ही खटाखट खटाखट बिकेगा, मार्केटिंग करने आए थे, मार्केटिंग आपकी हो चुकी है, डील लेना जरूरी नहीं है। जब तक आपको अपने मतलब का, अपने जो अपनी कंपनी की वैल्यूएशन मान के आए हो या जिसको जस्टिफाई कर रखे हो, जब तक वो अमाउंट नहीं मिलता, जब तक वो परसेंटेज नहीं है, तब तक डील करने की जरूरत नहीं है। वहां जाके दबाव में आ जाते हैं कई लोग कि नहीं सर कर लो, कुछ तो कर लो, अरे प्लीज आप कर लो, आप कर लो, अरे दोनों मिलके कर लो, ऐसे क्यों आ जाते हो पोजीशन में? आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेसमैन हो, वो भी बिजनेसमैन है, बराबरी की बात है। वो पैसे दे रहा है तो आप कंपनी का शेयर दे रहे हो, तो आप में बराबरी के आदमी है, तो ये जो दबना वाली बात है या जो खुद को अंडर कॉन्फिडेंट मानते हो ना, ये चीज है भाई साहब। एक तरफ तो आप कहते हो, मैं आपको यहां पे दोगला क्यों बोल रहा हूं, एक तरफ तो आप बिजनेस चालू किया है, हिम्मत दिखाई है, कॉन्फिडेंस दिखाया है, लड़ने की दिखाई है, यहां पे आके फेल हो गए, क्यों डरना नहीं है भाई साहब किसी से भी? वैसे तो आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, मेरी प्रायोरिटी उन लोगों को मैं कंसल्ट करता हूं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जिनका दुकान ऑफिस फैक्ट्री है, जो काम कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, रियल बिजनेसमैन, जो फंडिंग के भरोसे नहीं है, जो वैल्यूएशन के भरोसे नहीं है, जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन स्टार्टअप कम्युनिटी पर कभी ध्यान नहीं दिया। पर जिस तरह से शार्क टैंक में हालत हो रही है और दुनिया में गलत मैसेज जा रहा है, तो मुझे लगता है भैया इस फील्ड में भी एक बार आना पड़ेगा। और क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है, मैं इस पर आऊंगा, मैं डेफिनेटली इस पर या तो कुछ वीडियो की सीरीज
सीरीज लॉन्च करूंगा या एक अलग से कोर्स लॉन्च करूंगा कि स्टार्टअप में भैया वैल्यूएशन होती क्या है, कैसे आपको करना चाहिए, कैसे पिच करना चाहिए, कब फंडिंग लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टर चाहिए, किस तरह के नहीं चाहिए, इस पर या तो वीडियो की 8-10 सीरीज आ जाएगी या एक कोर्स आएगा। मैं जल्दी ही प्लान करूंगा, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपका ऐसा कुछ इंटरेस्ट है तो करें, नहीं तो रहने देते हैं। और एक और चीज, आप सोचो राहुल जी प्रॉफिट कमाने आ गए, दिस कोर्स विल बी कंप्लीटली फ्री। सेकेंड चीज भाई साहब, आपने बड़ी मेहनत से कंपनी बनाई है, आप कंपनी को ऐसा कैसे समझते हो कि कंपनी की वैल्यू जीरो है? सर जी, कंपनी का मोटा मोटा स्टैक मत दिया करो, 20% दे दिया, 25% दे दिया, 30% दे दिया, कभी कभी तो 50% भी दे दिया। अरे हाथ जोड़े भाई साहब, आपने इतनी मेहनत से कंपनी बनाई है, कॉन्सेप्ट बनाया, जब सब कुछ पक्के रेडी हो गया, फसल का आधा इससे ही दे दोगे, तो कभी भी अपनी कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक नहीं देना, आज नहीं तो कल आपको बहुत दिक्कत आएगी। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है, पैसे के लिए नहीं जा रहे, पैसे तो हम वैसे ही खूब कमा रहे हैं, ये ना हमको सपोर्ट भी तो करेंगे, स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग भी तो करेंगे, हमको गाइड भी तो करेंगे। सर पिछले सीजन में 25-30 कंपनियों में इन्वेस्ट किया था, इस सीजन में 25-30 में और कर देंगे, 60 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया, हफ्ते में एक दिन भी एक कंपनी को देंगे ना, साल में एक बार भी नंबर नहीं आएगा आपका, और अभी तो इनकी खुद की कंपनियां लॉस में चल रही है, ये प्रॉफिट में आ जाए वो बड़ी बात हो रखी है अभी तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दिन दे देंगे, 3 महीना 6 महीना दे देंगे, इनकी तरफ से कोई आके इक्का दुक्का मदद हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से आप 10-10, 20-20, 25-25 बांट के घूम रहे हो ना, हाथ जोड़े भाई साहब मत करो। और अगर बांटना ही है थोड़ा रुक जाओ, अभी ट्रैक्शन डेवलप करो, कुछ समय बाद जब आज आपकी कंपनी 5 करोड़ पे अगर लेने आए हैं, एक साल रुक जाओगे और थोड़ा ट्रैक्शन दे दोगे ना, वही 5 करोड़ की चीज 25 करोड़ में भी लेने आएंगे। बस जल्दी मत पहुंचा करो, जल्दी मत करो, धीरे धीरे बिल्ड करो। सेकंड चीज, अपनी वैल्यूएशन तुक्के में मत किया करो, किसी प्रोफेशनल आदमी, अपने सीए के पास या किसी ऐसा बंदा जो स्टार्टअप कम्युनिटी में एक्टिव हो, जो एंजल इन्वेस्टर हो, जो बंदा इन चीजों को समझता हो, उसके पास जाया करो, हवा में उठ के आ गए, हाँ जी सर मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 3 करोड़ रुपए है साहब, मेरे को 30 लाख रुपए चाहिए 10% के लिए। सर जी आपका प्रॉफिट कितना है मैडम? बोले हमारा प्रॉफिट है 50 लाख। अरे तुम्हारा 50 लाख का प्रॉफिट है तो तुम 30 लाख रुपए के लिए 10% स्टेक देने को आ गए, तुम 30 लाख रुपए तो 5-6 महीने में वैसे ही कमा लोगे, तो जो चीज 6 महीने में वैसे ही कमाई जा सकती है उसके लिए 10% कंपनी दे रहे हो, कंपनी का वैल्यूएशन तो ढंग से करना सीखो। अच्छा उसके बाद भी इनको चैन नहीं है कि अच्छा एक आदमी तो सोचे तो वैसे ही कम कर रहा नहीं, उसको 3 को भी 1.5 पे लेके आएंगे, 1 पे लेके आएंगे फिर इन्वेस्ट करेंगे, इनमें तो दया धर्म नहीं है भैया, नाम इनको शार्क दिया है, ये तो खून चूसेंगे तुम्हारा, तुम चुसवाने क्यों जाते हो यार आगे से, ऐसे हम जाके उसकी प्लेट में लेट जाते हो कि ले जब खा जा, फिर तो आदमी खाएगा ही ना यार, फिर उनकी कहाँ गलती है। तो कुल मिला के वीडियो की समरी क्या है कि भैया शार्क टैंक के जो मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, हाथ जोड़ के विनती, सर जी इसको रोडीज मत बनाओ, प्योर शो बनाओ, आप देखो ऑडियंस कैसे इसको उठाती है। सेकंड चीज, जजेस में जजेस से कोई दिक्कत नहीं, अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल लेके आओ, और अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल में नहीं है तो कम से कम सामने वालों से आशा मत करो, अगर किसी बंदे का कैश बर्न हो रहा है तभी तो आया, सपोर्ट करो, कई बंदा प्रॉफिट में नहीं है, उसके बिजनेस में काम मांगता है तभी तो आया, अरे सपोर्ट करो, और नहीं कर सकते तो भाई साहब उन आदमियों के लिए जगह खाली करो जो कर सकते हैं, और पार्टिसिपेंट भैया अगली बार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर आना। तो वैसे इनकी हरकतें लग रही नहीं है कि आपकी बार सोनी इनको सीजन 3 का चांस देगा, लेकिन अगर दिया तो मेरा बेस्ट ऑफ लक है, भगवान करे शो सुधरे, भगवान करे जज सुधरे, और भगवान करे पार्टिसिपेंट सुधरे, और नहीं तो भाई साहब ये जो बिजनेस के एनालिसिस हैं अपने चैनल पे तो होते ही रहेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज सब्सक्राइब कर दोगे कल वीडियो देखोगे नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। अगर मेरी 10 वीडियो देख के आपको लगता है बंदा पसंद है, रेगुलर देखेंगे तो सब्सक्राइब करना, ये 1 वीडियो देख के चले जाओ ना तो सब्सक्राइब मेरे को चाहिए नहीं। जनता जनार्दन को एक बार फिर जय हिंद।